Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. कैसे हैं आप सब? अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 18. इसके पहले 17 सीरीज टेस्ट, ये टेस्ट वीडियोज़ आ चुकी हैं, वो भी आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा. एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ का एक प्लेलिस्ट है पूरा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप वहाँ से भी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाईक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड SRF. नाउ स्टार्ट द वीडियो. एंड हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए. वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे. एंड आप पूरी वीडियो में आप अपने स्कोर को देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कमेंट में बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है. द रिकमेंडेड हाइट ऑफ द वर्क सरफेस इन द किचन फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन, मींस अगर कोई किचन में काम कर रहा है तो जो एक सरफेस होती है जहाँ पे प्रॉपरली लोग खड़े होकर प्रॉपर काम करते हैं तो वो सरफेस की जो कितनी हाइट होनी चाहिए जिस पे जो पर्सन काम कर रहा है वो एफिशिएंटली बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए सिंपली आराम से वर्क कर सके. ऑप्शन इज 4 inches बिलो द एल्बो, 5 inches बिलो द एल्बो, 3 inches बिलो द एल्बो एंड 7 inches बिलो द एल्बो. मीन्स जो सरफेस की जो हाइट है वो पर्सन अगर नॉर्मली खड़ा है तो उसको बिलो मीन्स जो हाथ में जो कोहनी होती है ना वो कोहनी से कितनी नीचे होनी चाहिए कि पर्सन सफिशेंटली आराम से इफ़िशेंटली उस पर काम कर सके. सो द करेक्ट आंसर इज 3 inches बिलो द एल्बो, कोहनी से 3 inch की जो दूरी नीचे होना चाहिए जो सरफेस है वर्क सरफेस जिस पे पर्सन जो है इफ़िशियंटली प्रॉपरली वर्क कर पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुटिंग द लास्ट एज फर्स्ट, मीन्स लास्ट मीन्स कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है उसमें लास्ट में क्या आता है, फीडबैक आता है और उस फीडबैक को फर्स्ट रखना मीन्स जो भी वर्क हुआ या कोई प्रोग्राम किया था या कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रही थी उसमें जो फीडबैक मिला है उस पर रिकंसीडर करना, उसको फिर से उस पर कंसीडर करना कि कुछ उसमें जो प्रोग्राम किया था वो कितना उसका रिजल्ट कितना पॉजिटिव है या कोई चेंजमेंट चाहिए तो उस फीडबैक पे दोबारा से उसको रिकंसीडर करना, उसको बोलते हैं पुटिंग द लास्ट एज फर्स्ट, इसको बोलते हैं रिवर्सल इन लर्निंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच प्लांट सोर्स ग्लूटेन इज डराइव्ड, ग्लूटेन एक प्रोटीन है तो ये किस प्लांट सोर्स से, कौन से प्लांट सोर्स से ग्लूटेन है ड्राइव की जाती है. सो जो करेक्ट आंसर है वो है वीट से ग्लूटेन मिलती है. सोया से जो प्रोटीन मिलती है उसको सिंपली सोया प्रोटीन बोलते हैं. राइस से जो मिलती है उसको बोलते हैं ओराइजिन. और जो कॉर्न मीन्स मेज, जो मेज से मिलती है उसको बोलते हैं जीन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज HDL इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड फ्रॉम, पहले तो HDL मीन्स हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. लाइपोप्रोटीन मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन, तो इसमें प्रोटीन भी है और लिपिड भी है मीन्स क्योंकि जो बॉडी में जो फैट है, फैट वाटर सोल्यूबल तो होता नहीं है तो फैट को पूरी बॉडी में मूव करने के लिए एक कैरियर चाहिए तो जो लाइपोप्रोटीन है वो एज अ कैरियर वर्क करता है. तो ये प्रोटीन अपने साथ फैट को बाउंड करती है और पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है उसमें मूव करती है. तो ये HDL सिंथेसाइज कहाँ होता है, सिंपल सी बात है जहाँ सिंथेसाइज होगा वहीं से तो सिक्रीट होगा. तो HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लीवर में सिंथेसाइज होता है और लीवर से सिक्रीट होता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्न्स द सिलेक्शन ऑफ निडल, मीन्स अगर कोई स्टिचिंग कर रहा है, कोई कुछ ड्रेस सिल रहा है, कुछ सिल रहा है तो वहाँ पर उसको निडल जो सुई है, सुई का सिलेक्शन करना है निडल का, तो वो किस बेसिस पे करेंगे, कौन से बेसिस पे निडल का सिलेक्शन करेंगे कि कैसे निडल की रिक्वायरमेंट है. टाइप ऑफ थ्रेड, टाइप ऑफ फैब्रिक, स्टिच लेंथ, टेंशन ऑफ थ्रेड, जो निडल का सिलेक्शन है वो नॉर्मली डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक किस टाइप का है. अगर सॉफ्ट डेलिकेट फैब्रिक है तो उसके लिए जो छोटी और पतली सुई आती है उसको सेलेक्ट करेंगे. अगर हार्ड और थोड़ा सा रफ़ टाइप फैब्रिक है तो उसके लिए बड़ी निडल सेलेक्ट करेंगे. मीन्स अकॉर्डिंग टू फैब्रिक निडल का जो सिलेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू फैब्रिक होता है. टाइप ऑफ थ्रेड, ये निडल को देख के थ्रेड जो है निडल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं कि कैसा थ्रेड होगा.
बट निडल का जो सिलेक्शन है वो फैब्रिक के टाइप की कैसा कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग सुई का सिलेक्शन करते हैं, निडल का सिलेक्शन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिज़ाइन रिपीट. डिज़ाइन इनमें से कौन सी डिज़ाइन जो है वो रिपीट नहीं होती है या रिपीट नहीं है. तो सैटिन, सैटिन जो है ये डिज़ाइन रिपीट नहीं है. रोटेटरी मीन्स एक रोटेशन के बाद फिर से वो डिज़ाइन रिपीट होके आ रही है, तो ये रोटेशन में ये हो जाएगी रोटेटरी. मिरर मीन्स एक डिज़ाइन है उसका मिरर इफेक्ट, फिर डिज़ाइन है फिर मिरर इफेक्ट, सो ये भी रिपीट है. ड्रॉप, ड्रॉप भी रिपीट है, बट सैटिन इज़ नॉट अ रिपीट डिज़ाइन. सैटिन जो है वो रिपीट डिज़ाइन नहीं है. नेक्स्ट इज द टर्म थ्रिबलिंग्स वॉज गिवन बाय. थ्रिबलिंग्स जो टर्म है वो किसने दिया था. कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर का एक हिंट मिल जाता है आपको. तो जो टर्म थ्रिबलिंग्स है ये दिया गया था गिलबर्थ के, गिलबर्थ ने इसको दिया था. और ये गिलबर्थ में जो ये वर्ड्स, ये जो लेटर्स हैं इनको ही रीशफल करके, इनको सफल करके, इनका अरेंजमेंट चेंज करके इन्होंने टर्म बनाया था थ्रिबलिंग्स. ठीक है. प्रैंग, प्रैंग ने कलर थ्योरी दिया था. रॉस, डब्ल्यू रॉस, डब्ल्यू रॉस ने डिसीजन, जो डिसीजन पावर थी जो मैनेजमेंट में जो डिसीजन पावर है वो दिया था. मंडल, मंडल ने दिया था क्लासेस ऑफ चेंज मीन्स कितनी क्लासेस ऑफ चेंज हैं वो दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिगरिंग द माइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू फाइंडिंग आउट सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड. मीन्स जो कोई अगर स्टूडेंट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास कोई प्रॉब्लम है उस पर उनको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करना या फिर उसमें क्या क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो ढूंढना, उसके बारे में डिस्कस करना, जहाँ पे मीन्स ऐसे डिस्कशन करना जहाँ पे नए आइडियाज़ जनरेट हो, जहाँ पे माइंड एक्टिविटी हो. तो यहाँ पे दिया ना कि ट्रिगर करना, माइंड को ट्रिगर करना, माइंड इन्स ब्रेन. तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग. कोलोकियम क्या होता है. कोलोकियम इज़ अ एकेडमिक कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार बोल सकते हैं, जहाँ पे एक थीम होता है या फिर कई मल्टीपल टाइप सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे बात होती है, उसको बोलते हैं कोलोकियम. एक सेमिनार होता है. सिंपोजियम, सिंपोजियम भी एक टाइप का मीटिंग है. यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. सिंपोजियम में एक्सपर्ट्स होते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं. डिबेट, डिबेट मीन्स फॉर्मल डिस्कशन होता है जहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं. एक फॉर्मल डिस्कशन उसको बोलते हैं डिबेट. ब्रेनस्टॉर्मिंग जहाँ पे ऐसा डिस्कशन होना जिससे न्यू आइडियाज़ जनरेट हो, माइंड प्रोसेस हो, माइंड मीन्स माइंड को ट्रिगर करें, उसमें न्यू आइडियाज़ आए, उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी ए आर एस. तो बी ए आर एस का पहले फुल फॉर्म होता है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल. यहाँ पे ये BARS एक टूल है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है. फुल फॉर्म अभी हमने बताया कि बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल मीन्स बिहेवियर को रेट कर, रेटिंग एक रेटिंग स्केल है मीन्स कुछ उसमें पोजीशंस दी होंगी या कोई नंबर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग रेटिंग करना. तो BARS जो टूल है स्पेशली यूज़ किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, कि कोई कंपनी है या कुछ भी है तो वहाँ पे जो एम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि किसकी परफॉर्मेंस की क्या रेटिंग है उसके लिए चेक कर यूज़ करते हैं BARS बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेली जिंक रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट इज. जो बेसिक एक नॉर्मल एडल्ट होता है उसका डेली जिंक रिक्वायरमेंट कितना होता है. तो उसका जो डेली बेसिक जिंक रिक्वायरमेंट है वो होता है 12 मिलीग्राम. एंड जिंक जो है वो इंसुलिन का एक मेन कंपोनेंट है, तो जिंक जो है इंसुलिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. जिंक DNA एंड RNA सिंथेसिस में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट इन्फेस्टेशन ऑफ विच वॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ एनीमिया इन रूरल पीपल. जो रूरल पीपल या रूरल में जो पीपल का मेनली जो बच्चे होते हैं उनमें एनीमिया कॉज करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल वर्म क्या है, मेन रिस्पॉन्सिबल इन्फेक्शन
कौन से वॉर्म का इन्फेक्शन मेन रिस्पॉन्स करता है कि बच्चों में एनीमिया कॉज करता है? करेक्ट आंसर इज हुक वॉर्म. ये जो है ह्यूमन फीसेस और सॉइल में प्रेजेंट होता है. जो जैसे गांव में जो बच्चे बिना चप्पल पहन के या ऐसे ज़्यादा मिट्टी में ज़्यादा सॉइल मिट्टी से कनेक्टेड रहते हैं, तो उनमें ये वॉर्म जो है हुक वॉर्म उनके इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है और वहां से ये ब्लड सेल्स को डैमेज करने लगता है और वहां से कॉज करता है एनीमिया. एनीमिया के लिए स्पेशली हुक वॉर्म. और इसको हुक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये समथिंग ऐसे हुक टाइप में होता है और ये इंटेस्टाइन में थ्रू हुक जाके स्टिक कर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हुक वॉर्म. ये राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, टेप वॉर्म, ये सभी वॉर्म्स हैं जो सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, फीसेस में. बट ये इनके सबके इन्फेक्शंस अलग अलग होते हैं, फीवर कॉज करना, इरिटेशन कॉज करना. बट जो हुक वॉर्म होता है ये एनीमिया कॉज करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट यूजिंग एंथोपोमेट्री. पहले तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने के जो मेथड्स हैं, सबसे पहले आता है एंथोपोमेट्री, फिर आता है बायोकेमिकल सी, फिर आता है क्लिनिकल, फिर डाइट्री मेथड. तो चार मेथड हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट के, एंथोपोमेट्री, बायोकेमिकल, क्लिनिकल एंड डाइट्री मेथड. ओके, और इसमें बात की गई है कि इनमें से कौन सा, जो ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा मेथड है जो वो एंथोपोमेट्री नहीं है. तो जो ब्लड प्रेशर है ये एंथोपोमेट्रिक मेजरमेंट नहीं है. बाकी स्किन फोल्ड थिकनेस, वेस्ट सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, ये सारे एंथोपोमेट्री मेजरमेंट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन सिल्क. कौन सा एमिनो एसिड सिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है? तो सिस्टीन एक एमिनो एसिड है जो सिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एफर्ट इज इन्वॉल्व इन होम मेकिंग एक्टिविटीज सच एज बेंडिंग, लीनिंग, नीलिंग एंड स्टूपिंग. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो इन एक्टिविटीज़ में कौन से एफर्ट या कौन सी फिजिकल, ये जो एफर्ट्स दी हुई हैं ऑप्शन में, तो कौन से एफर्ट यूज़ होती है कि बेंड हो रहे हैं, झुक रहे हैं, खड़े हो रहे हैं? तो जो करेक्ट आंसर है वो है टॉर्सल एफर्ट, मस्कुलर एफर्ट, जहाँ पे मस्कुलर एक्टिविटी लाइक कोई हैवी वेट उठाना या वेट लिफ्टिंग करना, इसमें यूज़ होता है मस्कुलर एफर्ट. देन आता है फिजिकल एफर्ट. फिजिकल एफर्ट मीन्स फिजिकली एक्टिव होना, एक्सरसाइज करना, फिजिकली फिट रहने के लिए, उसको बोलते हैं फिजिकल एफर्ट. पैडल एफर्ट मीन्स पैर से कुछ फोर्स लगाना, लाइक साइकिलिंग करना, उसमें जब पैडल में थ्रू लेग फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं पैडल एफर्ट. तो जो ये बेंडिंग है, नीलिंग है एंड स्टूपिंग है, ये सब आते हैं टॉर्सल एफर्ट में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th March इज सेलिब्रेटेड एज. 8th March को कौन से डे के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8th March को सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंटरनेशनल वुमेन डे. ठीक है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ये एनवायरनमेंट डे हो गया, सैनिटेशन डे हो गया, इन दोनों की डेट क्या है, यह आप लोग के लिए होमवर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग फूड इज द रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड. इनमें से कौन सा फूड है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है? द ऑप्शन इज फ्लैक्स सीड. एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसको पुफा बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में हेल्प करता है एंड जो हार्ट डिजीजेस हैं उनको कम करने में हेल्प करता है. क्योंकि और ओमेगा 3 फैटी एसिड में आता है EPA, इकोसा पेंटोनोइक एसिड, एंड DHA, डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड. EPA एंड DHA ये दोनों ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं जो हेल्दी ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी माइंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ब्रेन जो नर्व सेल्स हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. और फ्लैक्स सीड जो होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच अमाउंट में पाया जाता है. ये पुफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, मीन्स इसमें जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के फैट प्रेजेंट होते हैं.
The next question is, a la carte menu is, एक टाइप का मेन्यू है, a la carte menu. एक अला कार्टे मेन्यू होता है, एक टेबल डिहाटे मेन्यू होता है, कंबाइंड मेन्यू होता है, साइक्लिक मेन्यू, ये सब जो है टाइप ऑफ मेन्यू है. तो अला कार्टे मेन्यू में क्या होता है? सर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, लिमिटेड चॉइस ऑफ द फिक्स्ड प्राइस, चॉइस ऑफ आइटम्स लिस्टेड विद प्राइस, सीरीज ऑफ डिशेज रिपीटेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो जो अला कार्टे मेन्यू होता है उसमें जितने भी जो आइटम्स होते हैं, जो भी फूड आइटम्स हैं, वो सेपरेटली अलग अलग उनके प्राइस होते हैं, अलग अलग प्राइस किया होता है. तो चॉइस के अकॉर्डिंग आइटम्स जो हैं वो अलग अलग प्राइस के साथ लिस्टेड होते हैं, इसको बोलते हैं अला कार्टे मेन्यू. यहाँ पे दिया है रिपीटेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स ये साइक्लिक मेन्यू हो जाएगा जो हॉस्टल्स वगैरह में यूज़ होता है. पर्टिकुलर डे मीन्स किसी स्पेशल डे के लिए, किसी स्पेशल डे पे, लाइक कोई मैरिज फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, ऐसे टाइप में स्पेशल डे के लिए स्पेशल आइटम्स या स्पेशल फूड आइटम सर्व किया जाता है, उसको बोलते हैं डिजोर मेन्यू. लिमिटेड चॉइस ऑफ फिक्स्ड प्राइस, जहाँ पे फिक्स्ड प्राइस होता है उसको बोलते हैं टेबल डे हॉटे मेन्यू. और अला कार्टे मेन्यू में हर एक मेन्यू आइटम जो है वो अलग अलग प्राइस के साथ अलग लिमिट, हर एक मेन्यू आइटम अपने अलग अलग प्राइस के साथ लिस्टेड होता है. एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा. ये मेरा फेसबुक पेज है, आप मुझे यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड वे टू ZRF इज़ द यूट्यूब चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए. मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय.